उसामा भाई, आज तक आपने एमयू में क्या सीखा? डीलिंग सीखी, डीलिंग। कभी जिंदगी में स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है मेरी कि मैं इस चीज को स्किप कर दूं। अब लोग अकेले अकेले मुझे छोड़ के जा रहे हैं घर। माफी नहीं मैं नहीं करने वाला। बट वाई सनसेट? हाँ, असल में ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, नजर लग जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो, खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग, एंड इस एपिसोड में हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी फिलहाल ये वीडियो जो है लास्ट वीडियो है मेरे लिए। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि भाई आपने व्लॉग जो है रोक लिया है, अपने व्लॉग को क्यों मतलब बंद कर दिया। पूरा रमजान में कोई पर्पज नहीं था व्लॉग करने का, बिकॉज आई जस्ट मेरा छोटा सा मूड बना कि मुझे व्लॉग करना है आज। बस आज आपको थोड़ा बहुत मैं माजरा चाहता हूँ। के दिन का रोजा आज 22 रोजा पूरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि परसों आया था रमजान, आज 22 रोजे निकल गया। खैर, हाँ सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना, कल आया था रमजान निकल गया। ये हमारे शवाहिद भाई हैं, लेकिन ये शर्मा रहे हैं वीडियो में आने में। अबे भाई क्यों शर्मा रहे हो? कुछ काफी सब्सक्राइबर हैं, वो बार बार शो ऑफ करते हैं। और आज मैं डिपार्टमेंट में गया था एग्जाम देने के लिए, एक लड़के को मैंने वीडियो में लाया, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ सामने लाने की, लेकिन उनका नाम आकिब भाई है। भैया शर्मा रहे हैं। मैं आपको सीन बता देता हूँ कि मैं गया हुआ था एग्जाम देने, और मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट थे। मेरा जो ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बना हुआ था, मेरा प्लान था कि मुझे एक वीडियो बनानी है कि घर से बाहर जो स्टूडेंट रहते हैं वो अपने और अपनी लाइफ को कैसे चैलेंज देते हैं, और कैसे वो अपना जो है हर चीज़ जो है वो लेकर प्रॉब्लम फेस करते हैं और पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हॉस्टल लाइफ जीते हैं और रेंट एकोमोडेशन में रहते हैं, मतलब भाड़े में रहते हैं। थोड़ी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उनके लिए जो सर्वाइव करते हैं। तो उनसे मैंने बातचीत करी कि भाई आप सबसे मैंने एक डिस्कशन रखना है। वो डिस्कशन के लिए बात हुई मेरी, लेकिन उन्होंने मानने की कोशिश की, लेकिन वजह ये थी, प्रॉब्लम ये थी, जो मैंने सवाल लिख के गया था, जो स्क्रिप्ट बना के गया था, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि मैंने आंसर नहीं लिखा था, जवाब नहीं लिखा। एक तो होता है यार, जिससे भी सवाल करो उनसे बताना पड़ता है भाई तुमने ये जवाब देना है, ये करना है, वो करना है। तो अब अभी थोड़ा सा जो सवाल का जवाब मैंने किया उनसे, जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उनके सामने, जो क्वेश्चन किए मैंने, वो आप देख सकते हो, मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ। आप कैसे हैं सब? ब्लॉगिंग हो रही है भाई, भाई कैनेडा में मिल गया मुझे, भाई कहीं ब्लॉग। बस एक वीडियो काफी थी भाई। उसामा भाई, आज तक आपने एमयू में क्या सीखा? डीलिंग सीखी, डीलिंग। और उसामा भाई ने एक तो अपने डीलिंग के बारे में बता दिया कि हाँ, काफी इम्प्रेस था जिन्होंने जवाब दिया, डीलिंग करनी सीखी। आरिफ भाई क्या काम है? यार एक प्लेट लेनी थी 2-3 दिन के लिए। प्लेट चाहिए? हाँ, एक सब लोग घर जा रहे हैं, मैं अकेला यहाँ पे हूँ भाई, मैं करने जाने वाला। ठीक है फिर भाई, तुम्हें बताया मैं अकेला हूँ। फिर क्या करा तू साके भाई? मैं ले जा, ले जा, ले जा भाई, सभी घर जा रहे हैं, इस बार मैं नहीं जाने वाला। बिकॉज मैंने मास्टर के लिए फॉर्म फिल किया है, M.Com और MBA का, दोनों का कर दिया है मैंने, और उसके बाद देखता हूँ, मुझे तैयारी भी करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, घर जाने का मेरा कोई पर्पज नहीं है, कोई मकसद नहीं है अभी, क्योंकि घर जाऊंगा फिर आऊंगा, मेरा टाइम गैप रहेगा बीच में, तो मैं समझो बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा यार। मैंने ना मतलब आपको पता है MBA का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा टफ रहता है, और M.Com का तो इतना नहीं खास, चलो फिर भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज हमारा 22वां रोजा है, और होटल में जाके आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पे हलीम बिरयानी मिलती है, बहुत अच्छी और मज़ेदार, तो कोशिश करूंगा एक दिन खाते हुए बता दूंगा। लेकिन आइए मिस्टर जनाब, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, आप आगे वाला नेक्स्ट सीन करते हैं कि क्या करना है हमने आगे जाके, और आगे फिलहाल चलते हैं कहीं बाहर जाके, और टहलते टहलते पहुँचते हैं वहाँ पे, दुकान में जाके अफ्तारी करेंगे। लेकिन ये बात सुनो मेरी कि मैं व्लॉग जो है गैप में कर रहा हूँ, महीने में एक बार दो बार तो ज़रूर करूँगा,
लेकिन मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं अपना व्लॉग पूरा कर पाऊँ। मेरी ये प्रॉब्लम, शायद ये चीज कभी जिंदगी में स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है मेरी कि मैं इस चीज़ को स्किप कर दूँ, अवॉइड कर दूँ। पर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है सेविंग का, तो मुझे होना चाहिए मेरे पास एक अच्छा सा अच्छा कैमरा खरीद सकूँ, लेकिन वो काफ़ी लंबा सीन है, उसका मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद जारी रखनी पड़ती है। तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। सभी लोग अकेले अकेले मुझे छोड़ के जा रहे हैं घर। तो नहीं, नहीं मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। अब कहाँ चले भाई, हम कहाँ चले, हमारे आएंगे ना, अभी क्या है भाई, है ईद को आना पड़ेगा मुझे, ईद को आऊंगा, ईद तो बुला मिलेंगे, तुम हो जाओगे हम आ जाएंगे। घर कब जा रहे हो? निकलते हैं। और मैं अकेला यहाँ पे एकदम, बस अब पता नहीं क्या होगा भाई। सादिक भाई अकेले छोड़ के जा रहे हैं हमें, बहुत पछताओगे। कहाँ चले? आई घर जा रहे हो, कुछ अफ्तारी पार्टी जा रहे हो, अफ्तारी करवा रहे हो? हम जा रहे हैं अफ्तारी करने बाहर, कहीं जाएंगे दुकान पे ही जा रहे हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और अभी 5:54 हो चुके हैं, आधा घंटा रह चुका है अफ्तार के लिए, तो हम साथियों के साथ निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हमारा हाल एकदम चमका चमक हो चुका है, एकदम बढ़िया शाम होने वाली है। अभी असर बढ़ के आए हैं जी भाई जी, भाई ये ब्लॉग साइड के बाद होगी, ब्लॉग साइड के बाद भी होगी। देखो ये सब घर जा रहे हैं ना, इसलिए मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ। अच्छा आप नहीं जा रहे? मैं सच में ईद को जाओगे घर? ईद को जाओगे ना, ये बात है। ना 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 माफी नहीं, मैं नहीं करने वाला, बटवा क्योंकि घर जा रहे हो तुम तो। भाई पढ़ लिया मेरे को कह रहे तुमने असर पड़ी, वो भी ऐसे कह रहे जैसे मैंने पढ़ी। असल में आपसे छोड़ बोलकर गए, उन्होंने पढ़ ली, वो एटीएम से कैश लेने गए भाई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो असल में ये सनसेट है, असल में ये बात बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा नजर लग जाती है तो हमें इतना गुस्से में बोल देते हैं, मतलब मैं डर गया अंदर से भाई, यार क्या बोल दी। अरे सर क्या हाल है, बढ़िया। और कैसा रहा एग्जाम? ठीक हो गया। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग बताओ? सारी का आइटम लेने, आइटम लाने। मैं फिलहाल बाहर ही करूँगा सर। वाय मतलब मेरा असल में आप काफ़ी पैसा बचा रहे हो आजकल। पैसे बचाने पड़ रहे हैं यार, मोबाइल लेने के लिए यार, क्या करूँ, मजबूर हो रहा हूँ थोड़ा। मजबूर आदत से या पैसों से? नहीं आदत से नहीं, मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इस चीज़ के लिए मैं वो कर रहा हूँ, बना रहा हूँ कुछ। बना रहे हैं आप पैसा? मशीन है आपके यहाँ पैसा बनाने की? मतलब आपने खाना बना रहे हैं? मशीन नहीं, मशीन नहीं होती, एक होता मेकिंग मनी। अच्छा मेकिंग मनी, लेकिन वो किसी ना किसी तरह करके बनाना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, तो आपको पूरा रमजान कैसा गया भाई? ये रुपये दे दो रमजान। अल्लाह का फजल है भाई, अभी उठे हैं कुछ देर पहले, बस अभी सो कर उठे हैं। इनका हालात मेरा बढ़िया। भाई तुम भी सो रहे थे? भाई सोते सोते रमजान ऐसे निकल गया जैसे परसों आया था। असल में क्या हुआ कि फजर के बाद सोना होता है हमें, तो जोहर के टाइम उठ जाते हैं, फिर अपना फिर जाकर वही सोते हैं फजर के बाद ही। अच्छा तो पढ़ाई का जब प्रेशर है ना, पढ़ाई का प्रेशर वहाँ पे बहुत नहीं करते, लेकिन रमजान में पढ़ा नहीं जाता, इसलिए हम थोड़ा सोने को आगे पीछे कर दिया हमने। गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना। नींद वाला? अबे साले तभी मैंने माफ करना, गुस्से में इधर उधर सोना, गोल्ड वाला सोना। सोते सोते सोना थोड़ी ना मिल जाता। वही तो, सोओगे तो रोओगे, जागोगे तो सोना पाओगे। तो हम आगे सेंट्रली गेट। हाँ सर हरियत, ये भी हमारे ब्लॉगर साहब हैं, लेकिन इनको ब्लॉगिंग रोक रखी है भाई। क्यों, ब्लॉगिंग कब करेंगे आप? बस 2-3 दिन में शुरू करने वाले हैं। हाँ कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए इंशाल्लाह। आरिज भाई आ गया मिस्टर। आरिज भाई क्या हो गया, क्या हो गया? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाँ अरे कहना क्या चाहते हो? आरिज और पकौड़े देने उसके मोजी के, पकौड़े हाँ मोजी के छोटे। क्या कहना है? बताओ बताओ। महाजन भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। फोन उठा लिया? इसका भी उठा लिया, देख ही लो। ले लिया सब? लिया। क्या लिया? यूट्यूब पे डाल देना बस। हाँ डाल देंगे भाई, चलो चलते हैं। क्या लेना है आपको? ले लो। लो भाई यहाँ से क्रॉस करते हुए सड़क, लेकिन भीड़ बहुत है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ बहुत ज्यादा, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं बहुत तेजी और रफ्तार के साथ। अरे बढ़ो आगे बढ़ो, टक्कर मत खाना। नंगे बाबू को लगा घर यहीं पे हमारा, लेकिन सो गए हैं यहाँ। चुंगी बाजार में सेल होती है बहुत ज़्यादा,
यूट्यूब की सेल 350 की चल रही है यहाँ पे, बहुत मनी है। प्राइस क्या इसका? डाइट क्या है? सब डाइट हो गया, सही आ रही है भाई, एकदम बढ़िया। क्या हाल? चलो सो मेरे भाई का एक्सपीरियंस देखो, वाह ज्यादा कूद रहे हो तुम। यहाँ पे आए समोसा लेने के लिए, अफ्तारी का टाइम खाएंगे। समझ रहे हो साहब भाई? देख लिया तुमने बेटा, कुछ ज्यादा ही हो रहे हो तुम। आओ जी पकौड़े, आलू पकौड़े। हाँ टाइम हो चुका है हमारा, काफी भीड़ है यार यहाँ पे। अब रमजान के रह गए कितने दिन? रह गए 7 दिन रह गए। अबे 4 दिखा रहे हो तुम, 4 दिन रह गए। हाँ फोन था लेकिन 7 दिन लेकिन तेरा बता ये और ये। ओ मुझे सबसे ज्यादा भीड़ पता कब दिखाई देती है? अफ्तारी के टाइम, मतलब अफ्तारी से पहले असर के बाद। ले लिया कितने का आया? 120। तो ठीक है मैं चलता हूँ फिर है, मुझे अफ्तारी यहीं करनी है आगे। अरे वहाँ आगे करनी है, वो अफ्तारी मेरे लिए वहीं होती है, मेरा डिनर भी वहीं, अफ्तारी भी वहीं। नहीं है। भाई के, हाँ भाई के ले रहे हैं। देखो तुम लोग चले जाओ, फिर ठीक है। सो हम जा रहे हैं अफ्तारी करने आगे की तरफ, फिलहाल अकेला ही हूँ।